सुल्तान सलादीन आज जो हमारा टॉपिक है इस बुक की समरी में वो है द मुस्लिम दियर ईस्ट एंड द फर्स्ट क्रोसेड अब अगर आप ईस्ट की बात करते हैं तो जिसको नॉर्मली हम इन उर्दू मशरक़ भी कह सकते हैं और आज के दौर में जो ममालिक मशरक़ वस्ती के उसमें आते हैं वो उसमें आप कह कि तुर्की है इराक़ शाम लेबनान इसराइल फ़लस्तीन अर्दन और मिस्र के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं तो अगर आप एलेवन सेंचुरी की बात करते हैं तो उसके उस वक्त के दौर में यहाँ पर जो मुस्लिम पापुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इस मुस्लिम पापोलेशन ये नहीं है कि इसमें एक ही उनका सुल्तान और एक ही सारा रीजन है जो एक मुस्लिम लीडर के कंट्रोल में था लेकिन वहाँ पर क्या था जिस जिस तरह आप आज की सिचुएशन देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जितने मुस्लिम मुस्लिम्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड है फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है इंडिया में कुछ मुसलमान हैं अफगानिस्तान है ईरान है, है इस तरह तो वो दौर भी ऐसी था कि मुसलमान जो थे वो उनका जो एक यानी कि आप कह लें कि एक झंडे के नीचे सारी उम्मत इकट्ठी हो वो चीज़ उस वक्त नहीं थी और मुसलमान जो थे वो मुख्त ख़ों में बढ़ चुके थे मुख्तु सल्तनत में बढ़ चुके थे तो उसमें आप कह लें कि जो नुमायाँ जो आप कह लें कि एमिरेट्स थे जिस तरह आप आज कह लें कि जो ई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो इस तरह वो भी एमिरेट्स में डिवाइड हो गए थे अब इसमें जो इंक्लूड था आप कह लें सलजुग एक सलजोग तुर्क की अलग एक कम्यूनिटी थी फातमियत खिलाफत तो अलग चल रही थी और इस तरह छोटे छोटे यानी कि एमिरेट्स बने हुए थे और इसमें यानी कि एक आप कह लें कि एक जो मेन जो इसमें इशू था वो यही था कि आप कह लें कि पोलिटिकल एक डिस्टेबिलिटी थी उनके दरमियान और वो लोग आपस में ही गुतम गुत्ता थे जंग में मुबतला थे एक दूसरे के साथ जंग कर रहे थे सलजुग जो हैं वो फातमियत के साथ लगे हुए हैं कोई किसी और के साथ जंग में लड़ा हुआ है तो इस तरह यानी कि मुख्तल बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल सूरत हाल से सो मुसलमान गुजर रहे थे तो उस वक्त एक और जो मेन इशू कि जो नॉन मुस्लिम्स थे जो आप कहें क्रिश्चन जो थे वो बहुत पावर में थे और मुसलमान जो थे उनके साथ भी एक तरफ वो आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो बातें आप कह लें कि जैसे क्रिश्चन कम्यूनिटी थी उनके साथ भी लड़ाई में शामिल थे उनके साथ भी एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी जो ख़ास तौर पर जो बेजेंटाइंस हैं जो बेजेंटाइंस हैं उनकी जंग हमारे जो सलयोग तुर्क हैं उनके साथ चल रही थी और वही जो सलयोग तुर्क हैं वो अंदर से भी जो मुसलमान तो दूसरी मुसलमान जो छोटी छोटी जो आपके लिए कम्यूनिटीज़ थी सल्तनत थी उनके साथ भी लड़ाई में बरसर पेकार थी तो अब जब बेजनटाइंस का सलजो तुर्क के साथ जब ये आपस में जंग चल रही थी तो बेजन के जो शहशाह थे अल्केूस उन्होंने जो इनके पॉप थे क्रिशन के कैथोलिक चर्च के पॉप थे उनसे मदद तलब की कि आप जो ऑफिशियली डिक्लेयर करें इन पब्लिकली कि हमारी हम जंग की हालत में और हमें मदद की ज़रूरत है और लोग हज़ार ज़्यादा हमारे साथ इस बैटल में शरीक हो तो जब पॉप ने इसे ऑफिशियली एक एक नोटिस जारी किया तो उसके बाद एक आप कह लें कि फ़र्स्ट उसको क्रसेड क्या जाता है ये फर्स्ट क्रोसेड वार एक सिलबी इस जैसे आप सलीबी जंग भी कह सकते हैं वो शुरू हुई और इसमें क्या हुआ कि सिलीबी जंग में बहुत से जान के जो प्रजेंटाइन का जो मकसद था जो कैथोलिक का जो मकसद था कि वो इसमें जो जो उनके जो टारगेट्स थे कि वो उनदाव उन को हासिल करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्हें हासिल हुई जिसमें आप कह कि फ़लस्तिन का जो खत्ता है वो भी इसमें शामिल था और उस पर काफ़ी मुसलमानों का कंट्रोल था लेकिन उस पर भी ये काबिज़ हो गए फ़लस्तन पर अब इस फर्स्ट को सेट वार के नतीजे में जिसराशलम था उधर भी यहाँ पर इनकी आगे का जो मशरक़ वस्तली रास्तों का क्या शुरू हो गया यहाँ पर जो कुेड जो कुडर्स थे वहाँ पर वो आ गए और डिफरेंट यानी कि छोटे छोटे कम्यूनिटीज़ बनने लग गए अब जब वहाँ पर जो ऑलरेडी जो दूसरी नॉन मुस्लिम्स जो कम्युनिटी रहती थी छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थी अब जब जब फर्स्ट हुआ और में कामयाबी हासिल हुई क्रिसडर्स को तो उसके बाद उनका भी एक जोश बढ़ा कि अब हम मुसलमानों पर काबिज आ जाएंगे और हमारी आबादी अब बढ़ेगी तो उधर भी सिचुएशन यही हुई कि मुस्लिम आबादी जो है वो कम उसको बहुत मिनिमाइज किया जाने लग गया और जो दूसरी जो नॉन रिलीजस कम्यूनिटीज़ थी वो बढ़ने बढ़ने लग गई और इसमें इसमें क्या हुआ कि आप कहने के कि एक मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को घेरे में ले लिया जितने भी नॉन मुस्लिम कम्यूनिटीज़ थी उनके जो रेजिडेंशल एरियाज़ थे तो आप देख लें कि एक बहुत ही एक टफ़ सिचुएशन से मुस्लिम गुजरे थे एक तरफ तो यानी कि आपस इनके जो सिचुएशन थी जो हालात थे सियासी सूरत हाल थी वो कोई सुलझाने के तैयार नहीं था उनके दरमियान और दूसरी तरफ से जब फर्श कुर्सीड कुरेड में जो मुसलमानों को इतनी बड़ी शिकस्त हुई और बहुत से इलाक़े उनके हाथ से निकल गए तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से ये मुसलमान उस वक्त के दौर में गुजर रहे थे जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलमान जैसे भी हों लेकिन हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं तो इस दौरान ही अल्लाह ताला ने एक वसीला एक मुसलमानों के लिए निकाला और वो सुल्तान सलाहुद्दीन की शख्सियत की सूरत में था जिन्हें सलाहुद्दीन जो सभी अपने अजूबी कहा जाता है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो इराक़ में पैदा हुए जो आज के दौर में इराक़ है वहाँ पैदा हुए और काफ़ी यानी कि आप कह लें कि अपनी काबिलियत की बिना पर वो ऊपर आए और काफ़ी यानी कि उन्होंने जो क्या कहते हैं वार फेयर्स में हिस्सा लिया और उसमें अचीवमेंट्स हासिल की और उसके बाद वो टॉप पर आए और हुकूमत का वो हिस्सा बने अब जैसे फर्स्ट कुसाइड में भी हमारा मुसलमान मुश्किल हालात में थे इस जब दूसरी कुसाइड वार हुई भी जंग हुई उसमें ऐसे था तो जब उसके बाद जमाया रोल सुल्तान सलाजूबी का जो नजर आया वो तीसरी जब सलीबी जंग हुई थी वहाँ पर जो उनका करदार था उसके लिहाज से वो बहुत मशहूर है जैसे कि पहले जलोशम शहर भी काफ़ी यानी कि आप कह लें कि जवाल का शिकार हो गया था तो जब सुल्तान सलाहुद्दीन आजूबी ने जो तीसरी जिस भी जंग हुई ग्यारह सतासी में उन्होंने जो है इस पर कब्जा किया दोबारा से और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि सुल्तान सलाजूबी ने क्या किया कि जितने भी मुस्लिम कम्यूनिटीज़ थी मुस्लिम सल्तनत थी एमरेट्स थी उन सबको एक किया कि हम आपस में लड़ने के बजाय हमें जो बाहर से जो एक्सटर्नल जो हमारे पास प्रेशर है हमें उसको देखना होगा तो उसके लिए उन्होंने कोशिश की उसमें कामयाब हुए और उन सबको इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने एक जो जरूर था उसको फतेह किया और उनकी इस बात को बहुत सराहा जाता है अला दिन को एक मुस्लिम दुनिया में चलें ठीक है कि उनको एक हीरो माना जाता है और बल्कि जो उनके जो एनिमीज़ थे दुश्मन थे वो भी इनकी सखावत उससे बहुत यानी कि आप इंस्पायर थे और उन्होंने दुशनम ने भी सुल्तान सलाजीबी का बहुत एहतराम किया तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सेकेंड क्रोसेट वार चल रही थी तो उसमें जो मेन जो इसका जो वार जिनके साथ थी वो सलजोग तुर्कस थे और इसमें जो आर्मीज़ थी जो दूसरी तरफ निकली थी वो क्या था कि उसमें जर्मन आर्मीज़ थी और फ्रांस की आर्मीज़ थी और इसके अलावा यूरोप के जो और जो कंट्रीज़ थे वहाँ से भी आर्मी मंगवाई गई थी तकरीबन आप कह लें कि ये लार्जेस्ट आर्मी थी फॉर फिफ्टी ईयर्स टू सेट आउट फॉर द ईस्ट जो उन्होंने बनाई थी ईस्ट के लिए जो ईस्ट के मुसलमान हैं उनको ख़त्म करने के लिए तो इसमें यानी कि काफ़ी यानी कि जिसकी वजह से मुसलमानों को मुश्किल का कर सामना करना पड़ा पहले जब ये आर्मी नहीं थी तो जो सिर्फ जो जंग तो थी वो सिर्फ जो फ्रांस जो फ्रेंक्स थे फ्रेंक्स थे फ्रांस के उनके साथ जंग चल रही थी लेकिन उन्होंने बाद में जो दूसरे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे भी आर्मी तलब की उसके बाद ऑबियसली जब जो सेलजुग तुर्कस से हैं उनके उन पर भी काफ़ी प्रेशर पड़ा इस वरह से तो जिसके वजह से एनाटोलिया जो हमारा जो आजकल तुर्की है वहाँ पर जो है वो भी हमारे हाथ हाँ से निकल गया और वो भी उसके यूरोपियन उस पर चला गया जो थे और जब ये जो वार है गेस क्रसाइडर्स जब ये क्रसाइड वार चल रही थी तो इस दौरान जो एक और जब सुल्तान सलादून जो हैं वो जिस सिटी में थे जिसका नाम बालबक है वो भी वहाँ से भी उन्होंने सरेंडर किया जो आगे जो फ्रेंकश जो सोल्जर्स थे उनके आगे और वो वहाँ से चले गए लेकिन इसी जंग के दौरान जो है जो एल्डर ब्रदर थे सुल्तान सलाउद्दीन जूबी के वो भी मारे गए लेकिन इसके अलावा जो मेन आपको ईस्ट में नज़र आएगा जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे वो एक हैं सुल्तान आप नाम सुना होगा सुल्तान जंगी जो जंगर सन्त थे नूरुद्दीन जंगी के जिनका ऑथर ने लिखा है कि इट्स मीन द लाइट ऑफ द फेथ तो वो भी इसी उसमें काफ़ी जोश और खरोश के साथ वो इस जंग में लड़ रहे थे जो ऑथर हैं वो कहते हैं बा दिस्ट एंड एन फिगर वाज पॉइसड टू सीज देंसी इन द मुस्लिम नियर ईस्ट जंगी जंगर सन नूर मीनिंग लाइट ऑफ द फेथ एंड अप्रोप्रियट नेम फॉर द मैन हु विल डू सो मच टू एनर्जाइज द काउंटर क्रोस